नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एजुकेशन गाइड प्रोग्राम में आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है जयेश भाई ब्रह्मभट्ट। जयेश जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल के कार्यक्रम में। जयेश भाई एडिटर है शिक्षण सर्वदा के, और साथ में एजुकेशन फील्ड में उन्होंने 20 ईयर्स से बहुत सारे सेमिनार और कारकर्दगी मार्गदर्शन के कार्यक्रम किए हुए हैं। तो ऐसे ही जयेश भाई, आज हमें यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th के, उनके लिए आज बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन और एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए उसके बारे में हमें बताएंगे। हमारे इस कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर है, पावर्ड बाय लव एंड केयर हॉस्पिटल, मैटरनिटी, एंडोस्कोपी एंड IVF सेंटर सूरत। तो डॉक्टर दीप्ति पटेल एंड डॉक्टर दीपक पटेल की मैं आभारी हूँ कि ऐसे एजुकेशन गाइड के जो कार्यक्रम है जो 15 डेज तक चलने वाले हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम बात करेंगे सबसे पहले जो बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने में बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमारे चैनल के द्वारा, चैनल के हमारे मैसेंजर में, मैसेज में और व्हाट्सएप मैसेज में बात कही है कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमें ज़्यादातर परसेंटेज लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो उसी के बारे में सर आप बताइए। बिल्कुल, बहुत आपका भी प्रोग्राम अच्छा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और बच्चों के लिए ऐसा प्रोग्राम होने चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम जी। ऐसा है कि एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आते हैं ऐसे टेंशन भी बढ़ता है, पेरेंट्स को भी टेंशन रहता है। तो इस पे मैं एक ही बात कहूँगा, वो स्लोगन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, ये सब बड़े बुजुर्ग सब के लिए है जी। पेट नर्म, पैर गर्म, सिर ठंडा। मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि पेट नर्म होना चाहिए आपके, पैर गर्म यानी आप मेहनत करना चाहेंगे, और सिर ठंडा, बिल्कुल दिमाग ठंडा रखिए। ये एग्जाम्स तो आपकी पहली होगी, दूसरी होगी, लेकिन लाइफ में एवरीडे एग्जाम होती है। पेट नर्म कब रहेगा? जब आप खाना अच्छे से खाएंगे। मैं बच्चों को ऐसे एडवाइस दूंगा कि बिफोर एग्जाम उनके एक वीक पहले, 10 दिन पहले बाहर का अवॉइड कीजिए, खाना मत खाइए, जंक फूड मत खाइए, क्योंकि उससे आपका पेट गड़बड़ो, पेट सबसे ज़्यादा हमें दिक्कतें पैदा करता है। जैसे हम 2-व्हीलर्स पे फ्यूल डालते हैं, इसमें अगर कोई फ्यूल पॉल्यूटेड डालेंगे तो कैसी व्हीकल की सिचुएशन होती है, ऐसे हमारी बॉडी की सिचुएशन होती है जी। पैर गर्म होने चाहिए यानी आप मेहनती बने, अपने जो लेजीनेस है उनको दूर रखिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो। और सिर ठंडा, देखिए आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा, वो बिल्कुल कैप्टन कूल क्यों माने जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सिर ठंडा रख के काम करते हैं। चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैच लास्ट बॉल तक हो, लेकिन वो बिल्कुल शांत तरीके से सभी चीज़ को हैंडल करते हैं। तो एक स्लोगन है कि पेट नर्म, पैर गर्म और सिर ठंडा। जी जी सर, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात बोलना भूल गई, थोड़ा सा आपके बारे में भी हमें जानना है। वैसे सब लोग जानते ही है आपको, लेकिन थोड़ा सा और आपके बारे में सर बताइए। शिक्षण सर्वदा करके हमारा एजुकेशनल मैगजीन है, हमने 2006 से शुरू किया है। इससे पहले मैं एजुकेशनल रिपोर्टर था सूरत में, ऑलमोस्ट ऑल द मीडिया में मैंने एजुकेशन डेस्क पे काम किया था। और इसके बाद हम शिक्षण सर्वदा है जो करियर गाइड है, हम बच्चों को उनके करियर का रोड मैप दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई करियर, आपको कोई कॉलेज या कोई कैंपस एडमिशन देती है तो आपके लिए बेस्ट है। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को चूज़ करके लेते हैं, जैसे आप अपने कपड़े, आप ब्रांडेड क्यों इस्तेमाल करते हैं, आपकी चॉइस है, तो करियर भी आपकी खुद की चॉइस से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोई भी चीज़ ऑफर करे और आप ले लो। देखिए, करियर ऐसी चीज है जो लास्ट मोमेंट तक, लास्ट ब्रीथ, हमारे अंतिम सांस तक वो हमारे अंदर रहता है। हमें सब छोड़ जाते हैं, बट करियर हमारे अंदर जीवित रहता है। तो जब उसका सिलेक्शन करना होता है तो हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको भगवान ने पृथ्वी पे क्यों भेजा है, आपके अंदर एक इंटेलिजेंस दे के भेजा है,
तो ये इंटेलिजेंस क्या है वो आइडेंटिफाई करिए, और उसके बाद हम उन्हें करियर में ऑप्शंस दिखाते हैं, उनको सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। सर, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की जो शुरू होने वाली है, और उसका पहले से, मतलब पहले से प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में क्या करना चाहिए सर, वो बताइए। जी लाओगे ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे सब बच्चों को ऐसे कि मैं आज ये कर दूं ये कर दूं, देखिए आप अपना पहले एक ऑर्गेनाइज शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, और उसमें टाइम टेबल में ऐसा होगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स है, जो रीडिंग सब्जेक्ट्स है और जो आपके मैथमेटिक्स है, उनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जिससे आप बोर ना हो जाए। और मैं सबसे पहले जो किड्स है जो 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बोल रहा हूँ कि आप रीडिंग पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए और राइटिंग पे, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। राइटिंग से आपका जो एक्सप्रेशन है आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए। और सबसे ज्यादा है कि आपको किस मेथड में कौन से टाइम पढ़ना अच्छा लगता है। अजय देखिए ऐसा होता है कि कोई आपको बोल रहा है कि आप रात को जागिए मत और दिन में सुबह जल्दी उठ के पढ़िए, ऐसी कोई सिस्टम किसी के लिए सेट नहीं होती है। आपको जो कन्वीनियंट टाइम है, अगर आपको रात को देर रात तक जग के पढ़ना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, तो वो आप कीजिए, बट कंफर्टेबल वे में कीजिए। सबसे बड़ी बात वही है कि आपका कंफर्ट जोन सोधिए, निकालिए, ढूंढ निकालिए कि कहाँ पे कौन से टाइम है, और सबसे ज्यादा कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं। सी अलर्ट जोन में पढ़िए, जैसे हम बैठे हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहाँ आपको अलर्ट जोन में एग्जाम देनी है, और आप अपने जो पढ़ाई का जो भी प्लेस है वहाँ पे आप आराम से ऐसे सोफे पे या पलंग पे ऐसे पढ़िए नहीं, बिल्कुल। सी ये साइकोलॉजिकल वे है, आप अलर्ट बैठिए और अलर्ट में पढ़िए तो वो आपको वहाँ पे अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपका पढ़ाई, कंपनी में पढ़ना अच्छा होता है लेकिन पेरेंट अवॉइड करते हैं, क्योंकि बच्चे यही करते हैं कि अगर ग्रुप में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो मेक इट वे कि आप एक या दो या तीन के ग्रुप में पढ़िए, तो उससे आपको पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा। जी? एग्ज़ाम में जाने से पहले, मतलब स्टूडेंट्स को ऐसा, मतलब कैसे बोलते हैं कि जाने से वो डरते हैं, ऐसा होता है, तो उसी उसी ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? बहुत आपका घबराहट होती क्वेश्चन, है, एग्ज़ाम देने जाना है, टेंशन होती है, तो उसी ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ज्यादातर क्या होता है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं आप, तो बहुत सारे बच्चे की कंप्लेन है कि जब उनके पास एक पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, तो वो सब भूल जाते हैं, उनको पसीना हो जी जाता है, जी उनकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है। जब ऐसा हो तब एक ध्यान में रखिए, ये मेरे मेरे खुद का आंसर नहीं है, हमने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को पूछा है, हम लोगों ने बहुत सारे ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट को पूछा है कि ये सी आप ह्यूमन बीइंग है, ऐसा हो सकता है, आप इमरजेंसी में हो, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर, आप अपना आंसर शीट, बॉल पेन सबको डेस्क पे रख दीजिए, पीछे आपके जो बेंच है, अगर बेंच नहीं है वॉल है, तो वहां पे सिर्फ 1 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी जो फास्ट ब्रीदिंग है वो कम हो जाएगी, आपकी जो घबराहट है वो कम हो जाएगी। 1 मिनट या 1.25 मिनट आप ये करिए, आप मुझे याद करेंगे कि जो हमने आपको बताया डीप ब्रीदिंग से आप बैलेंस हो जाएंगे और आप अपने पेपर को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जी, लास्ट वो मोमेंट पे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल सही क्वेश्चन मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं तो ऐसा होता है नहीं, कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही है, पहले से तैयारी नहीं करते हैं, और जिस दिन एग्जाम आने वाली होती है, या तो एग्जाम के दिन अगर टाइम है तो उससे 2 घंटे पहले ही पूरी बुक्स लेके बैठ जाते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने भी कई बार देखा है ऐसा।
ये अवॉइड करना चाहिए लास्ट मोमेंट पे। तो मैं ऐसे कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडेंटिफाई करिए कि पूरा सिलेबस अगर आप कैच नहीं कर पाते। देखिए ऐसा होता है कि बच्चे कंपेयर करते हैं उनके जी स्टूडेंट्स के साथ, उनके ग्रुप के स्कॉलर्स के साथ, कि उनका इतना रिवीजन हो गया, उन्होंने इतने क्वेश्चन, तो वो उनके ट्रैक पे चल पड़ते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपना ट्रैक खुद बनाइए, अपना ट्रैक खुद ढूंढ निकालिए। लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ना, नया पढ़ना तो दूर ही रखिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर डिपेंड, उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, ताकि जो भी आप आंसर देंगे वो सही हो। देखिए जो भी यूपीएससी जीपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वो पूरा 100% सिलेबस नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता है कि मुझे 100% नहीं आता है, मुझे जो पढ़ना जो अच्छा लगता है जिसमें मेरा कमांड है वो ही मैं पढ़ता हूँ। सो बेस्ट वे कि आप लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन है वो करिए। और मैंने जो आगे भी कहा आपको और ये रिपीट दोहराता हूँ कि आप जितना हो सके राइटिंग प्रैक्टिस करिए, आइडेंटिफाई करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, उसमें आपके मोस्ट ऑफ द मार्क्स कवर हो जाने चाहिए। जी, अगर जितना भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो उनको याद नहीं रहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? जिन्होंने अभी तक जो अप्रोच किया है किया ही नहीं है, अगर वो आप पढ़ेंगे तो बहुत ही दिक्कत होगी आपको, जो घबराहट होगी वो इसकी वजह से होगी। ताकि जो नहीं पढ़ा है उसको आप लेफ्ट करिए, और जिस जो पढ़ा है उसके ऊपर आप डिपेंड रहिए, वही आपको मार्क्स ला के देंगे। अगर जो जिसको आपने अप्रोच ही नहीं किया है, जिसको आपने लास्ट मोमेंट तक छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया, और उसको आप पढ़ेंगे तो मे बी वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से आपको आंसर देने में दिक्कत होने लगेगी। लेकिन जो पढ़ा है वो याद नहीं रहता है, उसके लिए सर क्या करना हाँ, चाहिए? वो मतलब उसके लिए मैंने जो जी कहा कि सबसे बड़ी बात है कि आप राइटिंग में देखिए, पढ़ने से आपको याद नहीं रहा है आपकी जी मेमोरी में, तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट आप नोट निकालिए, और उसको पढ़ने के बाद आपको मेंटली ऐसा रहेगा कि ये चीज, क्योंकि आपके फिंगर्स आपकी आईज सब आप कंसंट्रेट करते जब लिखते हो तब, तो बाद में वो आपको मेमोराइज हो जाएगा। लेकिन अगर पढ़ाई से आपको याद नहीं रहता है तो आपको चेंज करनी चाहिए अपनी सिस्टम जो पढ़ाई की है। जी उसमें खाने पीने का कैसे ध्यान रखना चाहिए? मतलब कितना कितना आवर्स पढ़ना चाहिए, कितना घंटा उनको पढ़ना चाहिए, कितना घंटा सोना चाहिए, खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब बताइए सर। बिल्कुल जी ये अभी जो जो बच्चे अभी एग्जाम देने जा रहे हैं वो सब घर में यही अभी तो डिस्कशन है, जी मुझे भी फोन कॉल्स और मैसेज कि क्या करें। जी देखिए पढ़ाई ज्यादातर का पेरेंट्स तो को भी इतनी टेंशन होती है, बच्चा तो है ही, वो तो टेंशन में रहता ही है, जो पढ़ाई में बहुत आगे है उनको शायद नहीं होगी, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं कि जिनको पढ़ाई से भी डर है और एग्जाम देने में भी डर है। देखिए इसके जी बारे में तो मैं एक ही बात कहूंगा जो आपको आसानी से समझ आए, कि जी हम कोई भी चीज में जितने शक्कर डालते हैं उतना मीठा होता है। जी तो पढ़ाई की बात है, आप जितने ज्यादा पढ़ाई करोगे ऑब्वियस से अच्छा है, लेकिन पढ़ाई बोरिंग तरीके से, देखिए इंटरेस्टिंग और बोरिंग में बहुत डिफरेंट है। आप पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि आपको एग्जाम देनी है, इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट से पढ़िए, तो आपको ज्यादा बोर नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूंगा कि कम से कम कोई भी आप एग्जाम दो, एग्जाम के पहले आप 8 घंटे सोइए सेटिस्फैक्टरीली। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कुछ रह जाएगा पढ़ाई के लिए, वो अपने स्लीप अपने नींद को छोड़ने लगते हैं, तो ये आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करता है, और हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो आप कंफर्टेबली परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो बिल्कुल मैं तो ये पहले बोलता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को तो सही तरीके से करोगे क्योंकि एग्जाम फेस कर रहे हो, बट बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि स्लीपिंग 8 घंटा बिल्कुल आप आराम से पूरी इत्मीनान से नींद लीजिए, फिर मुझे याद करिए कि आपकी जो एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस है वो आप सेटिस्फैक्टरीली होगी। और दूसरा फूड, सबसे बड़ी बात है फूड। जी
अब बहुत ही मुझे ऐसे कंप्लेन मिलती है कि बच्चे घर का खाना ही नहीं खाते, वो एग्जाम टाइम पे बाहर से मंगवा लेते हैं, और स्विगीज और जोमेटोज, अब तो ऐसा है कि वो लोग बैठे इंस्टा बैठे ही ही मिल जाता मंगा। है जी। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करिए। देखिए, आप रेडीमेड फूड तो बिल्कुल मत खाइए। जितना जहां तक अभी 1 महीना एग्जाम चलने वाला है, जब बोर्ड एग्जाम्स है, तो आप बिल्कुल अपने घर का और एकदम सिंपल फूड लीजिए, ताकि जो आप जो खाने की वजह से आपके बॉडी में जो दिक्कतें आएगी और वो जी आपके परफॉर्मेंस पे असर कर सकती है। तो दो चीज पे फोकस कीजिए, बाकी पढ़ाई की बात है। आपको जो वे कंफर्टेबल लगे, जो सब्जेक्ट कंफर्टेबल लगे, उसका एक एक टेम्पररी प्रोविजनल टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इतने से इतने ये पढ़ना है, इतने से इतने ये पढ़ना है। और पढ़ाई के साथ जितना आप पढ़ते हो, तो उतना ही आप एग्जाम भी अपना पेपर खुद निकालिए और एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। जी सर, स्कूल्स में जो पढ़ाया गया है और ट्यूशंस में पढ़ाया जाता है, तो इस दोनों में डिफरेंट क्या है, मतलब किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? यस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये टॉक ऑफ द अभी तो नेशन है, क्योंकि जी सब जगह ऐसा ही है कि स्कूल, ट्यूशन जी और जो बच्चे सुबह से कॉम्पिटिटिव। निकलते हाँ हैं रात तक, मतलब सभी उसी में ही उनका दिन पूरा हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस पे ध्यान दूं। एग्जैक्टली जी देखिए, इसका एक ही इलाज है। जितना आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, इतना आप मुश्किल में पड़ते हो। जी लाइफ में कभी किसी का शॉर्टकट नहीं है। आपको जो नोट्स दिए हैं वो बिल्कुल रेडी टू यूज है, रेडी, तो आपको पता ही नहीं है कि इसका मेकिंग कैसे है। हम लोग अक्सर बच्चे को बोल रहे हैं, और आज भी मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स को, कि आप अपने टेक्स्ट बुक को, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो टेक्स्ट बुक में से ही आएगा। टेक्स्ट बिल्कुल बुक के जो आपके फंडा क्लियर हो जाएंगे, तो मुझे मुझे इतना तो यकीन है कि आप कोई भी क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। अभी क्या हो गया कि आपको पहले से ही रेडी टू यूज जो टैक्स आपको दिया जाता है, कोचिंग में दिया जाता है, तो उसके ऊपर डिपेंड रहे। तो मेरा एक ही आपको कहना है कि अगर आपको टाइम मिले तो कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक्स जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, तो वो टेक्स्ट बुक पे एक एक या दो दफे तो वो पढ़ ही लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद आपका अपना खुद होना चाहिए, एक पैटर्न सेट होनी चाहिए कि मुझे कौन सी लैंग्वेज, कौन सी पैटर्न, कौन सी सिस्टम, चाहे वो स्कूल में पढ़ाई गई हो, चाहे वो ट्यूशन में पढ़ाई गई हो, चाहे वो कोचिंग में, लेकिन आप अपनी खुद एक पैटर्न सेट करिए, एक सिस्टम सेट करिए। ऐसा नहीं कि पूरे डिपेंडर आप जो कंटेंट दिया गया है उस पर, आप अपना खुद का एक डेवलप करिए पैटर्न। जी हम बात कर रहे हैं अभी अभी जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसी की प्रिपरेशन के बारे में हम बात करते हैं मिस्टर जयेश ब्रह्मभट्ट के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि ऐसे ही कार्यक्रम हम लाते रहेंगे, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो सर यहाँ पे 15 डेज तक मतलब पूरी बोर्ड के जितने भी हैवी सब्जेक्ट है उसी की भी हम प्रिपरेशन हमारे माध्यम के द्वारा करवाएंगे। लेकिन आज बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं कि एग्जाम में क्या करना चाहिए आपको। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद क्या करना चाहिए, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एग्जाम के क्योंकि बाद डेली 7 सब्जेक्ट हमारे रहेंगे, 7 या 8 जो भी राइट सब्जेक्ट राइट है, तो वन डे का एग्जाम खत्म होता है तो हम दूसरे दिन की तैयारी करते हैं, तो वो देखिए, उसी के बीच में जो गैप रहता है तो उसमें क्या करना यस, चाहिए? पहली बात तो यही है कि अगर एग्जाम में आप एग्जाम देके आए हो और बाद में आप उनका असेसमेंट करते हो, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये असेसमेंट ना करिए, पहले सभी एग्जाम क्लियर हो जाने दें। ऐसा हमने पास्ट में देखा है कि कोई एक पेपर आपका खराब गया है तो उसकी इफेक्ट दूसरे पेपर पे गई है, क्योंकि आपका जी उसमें परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो वो मेंटली आपको डिप्रेस कर रहा है, डिमोरलाइज कर रहा है, और वो आप जितना डिस्कस करोगे आपको उतना पिंच करेगा। तो सबसे पहले डोंट कंपेयर, किसी के साथ कंपेयर नहीं कीजिए। आपका जो इवेल्यूस, आपने जो लिखा है, वो मार्क मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ऑल एग्जाम फिनिश, आप अपने हिसाब से हर पेपर को दीजिए, बट जब एनालिसिस करने की बात आए तो वो एग्जाम हो जाने दीजिए 7 6
या सात पेपर फिनिश होंगे। दूसरा, आप सब्जेक्ट वाइज जाइए, जैसे आपको हर दिन हर एग्जाम में जो सब्जेक्ट है उनके लिए आपको कितना टाइमिंग चाहिए। और मैंने पहले भी कहा कि जो आपने अभी तक अटेंड नहीं किया ही नहीं या आपको जो नहीं आता है उसको छुए मत, बट जो आता है उसको उस पे आप फोकस करके आगे बढ़िए। जी सर, पेरेंट्स को कितना ध्यान रखना चाहिए आपके स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चे के लिए कितना ध्यान रखना चाहिए? पेरेंट्स को तो मेरी यही एडवाइस है, क्योंकि पेरेंट्स ज्यादातर मैंने देखा है अभी तक की उसमें कि पेरेंट्स की इतनी मतलब रोक टोक भी रहती है, या तो कई कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि नहीं भी करते, लेकिन ज्यादातर कि भाई एग्जाम है आज तू ये कर वो कर ऐसा कर, तो इन सब में बेचारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? आप तो ऐसा बोल रहे हैं, हम तो ऐसा सोचते हैं कि एग्जामिनेशन ही पेरेंट दे रहे हैं, क्योंकि उतने बहुत प्रिपेयर करते हैं। देखिए आपका मैंने थोड़ी काम, अच्छी भाषा में बोला, पेरेंट का काम तो यही है कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट कीजिए, ना कि उसके ऊपर प्रेशर लाइए। देखिए लास्ट मोमेंट तक आप अगर उनको प्रेशराइज करते रहेंगे तो एग्जाम्स के उनको एग्जाम से ही एलर्जी हो जाएगी, वो एग्जाम से दूर रहने लगेंगे। आप मोटिवेट करिए कि जैसा आपने आपने लिखा होगा, जैसे आपकी पढ़ाई है ऐसा आपको मिलने वाला है, वो हमें एक्सेप्ट करना है। अगर कोई एग्जाम सही नहीं जाती तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरा कुछ सब एंड हो जाएगा। देखिए आप हर मिस्टेक्स में से सीखते हैं, तो आप उनको बहुत स्पोर्ट्समैनली अपने अपने किड्स को अपने बच्चों को समझाइए कि देखो लास्ट मोमेंट पे हमें ऐसे हड़बड़ाहट करना या डिस्टर्ब होना, ये उसके बजाय पहले से सोचिए अगर इस टाइम आपके सही एग्जाम नहीं गए तो आपको इसमें से लेसन लर्न करना है कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स है। बस वी आर लर्निंग बाय आवर मिस्टेक्स, तो वो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट मोटिवेट करे, ना कि उनके जो डिस्टर्बेंस है उनमें वो और एडअप करे। सबसे बड़ी बात है कि ये एग्ज़ाम है, ऐसे एग्जाम बहुत आने वाले हैं, तो बच्चों को प्रिपेयर करिए कि देखो ये एग्ज़ाम है, दिस इज लाइक अ फेस्टिवल, हमारी लाइफ इसमें चेंज होगी, हम अलर्ट जोन में आ जाते हैं, बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से दीजिए और मुस्कुराते हुए एग्ज़ाम। अभी हम लास्ट क्वेश्चन आपको पूछूंगी कि अगर रात तक मतलब लेट नाइट तक पढ़ते हैं बच्चे तो वो कितना योग्य है? अभी बहुत सारे हम देखिए यूट्यूब और सोशल मीडिया में भी आता है कि लेट नाइट जग के नहीं सोना चाहिए। देखिए माय किड्स आल्सो, मेरे भी बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हो और उनको आदत है कि वो लेट नाइट तक पढ़ते हैं, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती कि भाई लेट नाइट पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको अभी ऐसे सेट हो जाएगा। आपको जिस प्रकार की हैबिट है, आपके बच्चों को स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि आपको जिस प्रकार की हैबिट है कि अगर आप लेट नाइट तक जग के अपना अच्छे से कवर कर सकते हो तो आप कंटिन्यू करिए। ऐसा नहीं कि कोई आप ड्रास्टिक चेंज लाइए अपने लाइफस्टाइल में या अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें कोई एग्जामिनेशन की वजह से, क्योंकि इससे क्या होगा अगर आपको सूट नहीं करेगा कोई नया टाइम तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। अगर आपको लेट नाइट तक जगना है और वो सेट है तो करिए, सुबह पढ़ना बहुत ही अच्छी चीज है, वो साइंटिफिक है। अर्ली मॉर्निंग अगर पढ़ते तो ज्यादा बेटर। ये कब हो सकता है? जब आपको ये बचपन से अर्ली स्टैंडर्ड से अगर ये आपको हैबिट है तो, नहीं तो अभी लास्ट मोमेंट पे ऐसा चेंज करना। हाँ, कोई बच्चे ऐसे भी है जो स्पेल्स में पढ़ते हैं, छोटे छोटे 3-4 घंटे पढ़ते हैं फिर थोड़ा ब्रेक लेते हैं फिर, तो आप अपने हिसाब से देखिए, किसी से कंपेयर मत कीजिए। कोई बोल रहा है तो वो आपको ऊपर उसका तुरंत अमल करना ये जरूरी नहीं है, आप अपना सिस्टम जो है उसको कंटिन्यू करिए। जी बहुत ही अच्छी बात है। हम बात करते हैं जयेश ब्रह्मभट्ट जी के साथ 12th और 10th का जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो उसी का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, आज हमने उसी के बारे में बात की। बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपसे मिली है, हम आपको ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट के साथ आपको बुलाएंगे, लेकिन हमारे जो 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? यही संदेश देना है सबको कि देखिए ये एग्जाम्स आपकी तो पहली दूसरी है,
आप जैसे बड़े होंगे आपको पता लगेगा कि लाइफ एवरी डे कोई ना कोई एग्जाम लेती है, और जो एग्जामिनेशन को बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए अटेंड करते हैं वो बिल्कुल अब पास होते हैं, इसमें पास फेल का कुछ है नहीं। हाँ एक बात जरूर है कि एग्जामिनेशन के लिए आपको लास्ट मोमेंट प्रिपेयर नहीं करना है, आप पढ़ रहे हो तो डे वन से जब आपकी पढ़ाई शुरू होती है वहीं से आपने ध्यान देते हो तो आपको लास्ट मोमेंट पे एग्जामिनेशन आएगा तो भी इसकी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही जी संदेश है, अभी जो एग्जाम है आप अटेंड करिए, हंसते हुए अटेंड करिए, आपकी जो तैयारी है उसके आपको मार्क मिलने वाले हैं, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और जी सबसे मैंने पहली बात कही थी वही बात से मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, जी पेट नरम रखिए यानी हाँ अच्छा जी खाना हाँ खाइए, जी पैर गर्म यानी मेहनत करिए, जो लेजीनेस है उनको निकाल दीजिए, और सिर ठंडा, बिल्कुल कुछ भाग नहीं जा रहा हमारी लाइफ में, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है वो सब हमें मिलने ही वाला है, फिर सिर्फ अपना माइंड कूल डाउन रख के एग्जामिनेशन को अटेंड करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऐसे ही हम और कार्यक्रमों के साथ आपको वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको करना पड़ेगा एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल का जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिएगा साथ में, और हमारी जो वेबसाइट है exoticwebmedia.com वहीं पे भी विजिट करिएगा। आपको ऐसे ही बहुत सारी ऐसी जानकारी भी मिलेगी, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, और साथ में पूरे देश में क्या होता है वो भी आपको जानने को मिलेगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।